हे गाइस, तो स्वागत है आपका आज के एपिसोड में, जिसमें मैं दो हल्क के फैक्ट्स और एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में थानोस वर्सेस हल्क के जो फाइट हुए थे उसका ब्रेकडाउन करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्योंकि मैं दो फैक्ट्स बताने वाला हूं, मैं इसे मार्वल के फैक्ट सीरीज में ही जोड़ दे रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रूस बैनर स्प्लिट पर्सनैलिटी से जूझता है, जिसमें जैसे ही वो हल्क बनता है उसके माइंड के अंदर हल्क वर्सेस ब्रूस चलता है, जिसमें आमतौर पे हल्क ही जीतता है और इसीलिए हल्क अपनी बॉडी पे कंट्रोल पाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब भी ब्रूस हल्क बनता है तो ब्रूस का कॉन्शियस लगभग 7 घंटा 18 मिनट तक नींद ले लेता है, अगर वो 1 घंटा तक हल्क बना रहा तो। इस बात का खुलासा एवेंजर्स मिलेनियम इशू 5 में होता है, जब स्कारलेट विच बोलती है कि तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम 2 दिन से लगातार काम कर रहे हो। जिसके जवाब में ब्रूस बोलता है कि अगर हल्क 1 घंटा तक हल्क बना रहता है तो वो मेरे लिए 7.3 आवर्स की नींद होती है। दूसरा फैक्ट हल्क की ताकत को दर्शाता है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि वर्ल्ड वॉर हल्क में वो कितना ताकतवर था, लेकिन नॉर्मल हल्क भी कुछ कम नहीं। उसने एक पंच से कैप्टन मार्वल को अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर भेज दिया था। असल में एक मिशन के दौरान हल्क को एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना था, ताकि कैप्टन ब्रिटेन और ब्लैक पैंथर को चांस मिल सके, और हल्क को रोकने के लिए वहां पे वार मशीन और हॉकाई आते हैं। फिर उसे कंपनी देने के लिए कैप्टन मार्वल आती है। कैप्टन मार्वल आते ही उसे बैक टू बैक पंचेस देती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो थक जाती है। तभी हल्क एक स्माइल देता है और बोलता है अच्छा लगा, और एक स्मैश कर देता है जो कि इतना तगड़ा होता है कि कैप्टन मार्वल अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ही चली जाती है। अब आते हैं थानोस वर्सेस हल्क के फाइट में, जहां हल्क के अचानक से अटैक करने से थानोस हड़बड़ा जाता है, बट जैसे ही वो अपने आप को संभालता है वो 1 मिनट में हल्क को निपटा देता है। बट जैसे ही वो अपने नी से अटैक करते हैं, हमें ये बॉक्सिंग से MMA कैटेगरी में शिफ्ट करना होता है, यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। बट क्योंकि MMA एक बहुत बड़ा रेंज होता है, हम उनके मूव्स को एनालाइज करके पता लगा सकते हैं कि थानोस ने हल्क को कैसे हराया। थानोस के फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करने पे हमें पता चलता है कि वो पहले अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था और उसके बाद काउंटर के तौर पे हल्क के वीक पॉइंट्स पे ही अटैक कर रहा था। हल्क भले ही एक हरा भरा दाना हो, लेकिन अल्टीमेटली वो ह्यूमंस का ही एक्सट्रीमली मस्कुलर फॉर्म है, तो जो भी वीक पॉइंट्स ह्यूमंस के होते हैं सेम वीक पॉइंट्स हल्क के भी होंगे, या फिर कहे सॉफ्ट पॉइंट्स। आप क्लियरली देख सकते हैं कि थानोस का पहला हमला हल्क के जॉ और गले के बीच में होता है, फिर वो हल्क के लेफ्ट हैंड को ब्लॉक करके हल्क को पुश करते हैं और राइट हैंड से सीने पे एक जोरदार पंच दागते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हल्क का बैलेंस बिगड़ जाता है। हल्क उसी हालत में अटैक करने की कोशिश करता है, पर थानोस डॉच करके उनके लॉइन एरिया में मारते हैं। ये लॉइन एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अगर आप हल्का सा फोर्स लगा के मारो ना, तो सामने वाले को इतना जोर का लगता है कि वो उछल पड़ता है, और यहाँ पर तो थानोस ने एक पंच दाग दिया। फिर हल्क अपने लेफ्ट हैंड को चार्ज करता है, जिसे थानोस ब्लॉक करके 2 बॉक्सिंग पंच दागता है। इसके बाद तो बॉस हल्क को संभालने का मौका ही नहीं मिलता और थानोस बैक टू बैक वीक पॉइंट्स पे अटैक करता है। नोट करने वाली बात यह है कि जो स्ट्रेटेजी थानोस ने यहाँ अपनाई है वो हमारे यहाँ क्राफ्ट मगा नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाया जाता है, जिसमें ओपोनेंट्स के अटैक को ब्लॉक करके उनके वीक पॉइंट्स में अटैक करना सिखाया जाता है। तो गाइज, अगर थानोस ने सिर्फ डिफेंस स्ट्रेटेजी से हल्क को सुलटा दिया, तो आप सोच ही सकते हो कि अगर वो अटैकिंग मोड में होता तो क्या करता। खैर, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अगर वो अटैकिंग मोड में होता तो क्या होता, क्योंकि इसका नतीजा हम टाइटन में देख चुके हैं, जहां भले ही हमारे सुपर हीरोज हार गए हों, लेकिन इस बात में कोई दोमत नहीं है कि वो MCU का अब तक का बेस्ट फाइटिंग सीक्वेंस में से एक है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये फाइट ब्रेकडाउन, मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं, एंड फैक्ट्स कैसे लगे वो भी। ऐसे ही ऑसम फैक्ट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ये 8वां एपिसोड था, तो इससे पहले की जो 7 एपिसोड जो फैक्ट्स से रिलेटेड है, अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि ऑसम फैक्ट्स आपको पता चलेंगे। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और ऑसम कंटेंट्स जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं, तब तो आपको मालूम ही होगा कि हम सब हीरोज हैं और हम सब कीप मूविंग फॉरवर्ड और नेवर गिव अप का मोटो को फॉलो करते हैं। लोगों की मदद करें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और मुझे अगले वीडियो तक की इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।